नमस्कार, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं। आज हम हमारी प्लेलिस्ट डेटा कम्युनिकेशन में एक और टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है डेटा रिप्रेजेंटेशन एंड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। ये हमारे डेटा कम्युनिकेशन सब्जेक्ट का एक बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लाइन कॉन्फ़िगरेशन टॉपिक को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज डेटा। तो आप इसका आंसर बहुत अच्छे से दे सकते हैं, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स। मतलब हमारे पास बहुत सारी फाइल्स हैं और उसमें हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को स्टोर करके रखा होता है, तो उस चीज को हम बोलते हैं डेटा। उसके बाद जो डेटा हमने फाइल्स के रूप में इकट्ठा करके रखा होता है, वो बहुत सारे फॉर्मेट में हो सकता है, जैसे कि टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। तो अब हम बात करते हैं लाइन कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। एक नेटवर्क जो होता है वो दो और दो से ज्यादा डिवाइसेस को एक लिंक के थ्रू आपस में कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि दो लोग फोन पे एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक वायरलेस लिंक के थ्रू आपस में कनेक्टेड है। तो लिंक क्या होता है, लिंक एक कम्युनिकेशन पाथवे है जो कि डेटा को एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर करता है, या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफर करता है। और यहाँ पर डिवाइसेस कोई भी हो सकता है, जैसे कि कंप्यूटर, प्रिंटर और एनी अदर डिवाइस, जो कि डेटा को सेंड करने और रिसीव करने के लिए कैपेबल होता है। तो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए दो डिवाइसेस को एक ही समय में हम किसी तरह एक लिंक के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो पॉसिबल टाइप्स ऑफ कनेक्शंस हैं, जिसमें फर्स्ट है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन एंड अदर इज मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो आइए इन दोनों कनेक्शंस को जरा डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट हम करेंगे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन क्या करता है, वो हमें एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करता है बिटवीन टू डिवाइसेस, यानी कि वो दो डिवाइसेस के बीच एक हमें डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड करेगा इन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन में। तो लिंक की जो कैपेसिटी होती है वो दो डिवाइसेस के बीच ट्रांसमिशन के लिए रिजर्व्ड होती है। कुछ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए किसी केबल का यूज करते हैं, यानी कि वायर्ड मीडिया का यूज करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया जो है वो बेसिकली दो तरह के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है वायर्ड मीडिया, जिसको हम बोलते हैं गाइडेड मीडिया, एंड देन नेक्स्ट इज वायरलेस मीडिया, यानी कि अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें दो डिवाइसेस को आपस में लिंक करने के लिए अदर ऑप्शंस भी यूज करते हैं, जैसे कि वायरलेस मीडिया, यानी कि माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक्स। पॉइंट टू पॉइंट नेटवर्क टोपोलॉजी को अदर टोपोलॉजीज की तुलना में सबसे आसान माना जाता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या है, लेआउट ऑफ नेटवर्क्स, कि जो भी हमने कंप्यूटर्स के थ्रू एक नेटवर्क को क्रिएट किया है, तो वो जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं, उसको हमने किस तरह अरेंज करके रखा हुआ है। अगर हमने लाइन वाइज कंप्यूटर रखे हुए हैं तो उसको हम बोलेंगे बस टोपोलॉजी, और अगर हम गोलाकार शेप में कंप्यूटर्स को अरेंज करते हैं तो उस चीज को हम बोलेंगे रिंग टोपोलॉजी। इसके अलावा और भी बहुत तरह की टोपोलॉजीज हैं, जिसको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा इस नेटवर्क को एस्टेब्लिश करना और समझना बहुत ही आसान होता है। दिस इज अ डायग्राम ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास ये दो डिवाइसेस हैं, जिसको हम वर्क स्टेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इनको एक आपस में कनेक्ट होने के लिए एक डेडिकेटेड लिंक प्रोवाइड किया गया है। इसी तरह यहाँ पे मेन फ्रेम और वर्क स्टेशन के बीच एक लिंक क्रिएट किया गया है। ये जो लिंक इन तीनों में प्रोवाइड किए गए हैं, वो क्या है, वो वायरलेस भी हो सकते हैं और वायर्ड भी हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं मल्टी पॉइंट कनेक्शन के बारे में। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन को हम
मल्टी ड्रॉप कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस हो सकती हैं, तो वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होने के लिए क्या करते हैं, वो एक सिंगल लिंक को शेयर करते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि एक ही लिंक यहाँ पे दिया होता है और उसे दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस आपस में उस लिंक को शेयर करेंगी। तो विथ शेयर्ड कैपेसिटी मल्टी पॉइंट लाइन कॉन्फ़िगरेशन में दो तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन में फर्स्ट पॉसिबिलिटी है स्पेशियल शेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि जब दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस उस लिंक को एक ही टाइम में शेयर कर रहे हैं तो हम इसको बोलेंगे स्पेशियली शेयर्ड लाइन कॉन्फ़िगरेशन। देन सेकंड पॉसिबिलिटी इज टेम्पोरल शेयरिंग, जिसको हम टाइम शेयर्ड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब यूजर्स उस लिंक को यूज़ करके वापस उसे डिसकनेक्ट कर देते हैं तो उसको हम बोलते हैं टाइम शेयर्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो इस डायग्राम को देख के आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा कनेक्शन है, मल्टी पॉइंट कनेक्शन, जहाँ पर क्या हो रहा है, एक सिंगल लिंक है जिसको दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस जो है वो आपस में शेयर कर रही हैं और जिसकी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जो हम पीछे कर चुके हैं। फर्स्ट इज स्पेशियल शेयरिंग एंड देन सेकेंड इज टाइम शेयरिंग। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा आज का ये टॉपिक आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही इसके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार एक और नई वीडियो के साथ। हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच।